इन दिनों यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरें तो पहले ही कार्यकाल से आती रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से मनमुटाव और गहराता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हुई योगी कैबिनेट की बैठकों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, जिसके बाद से सरकार में सब कुछ ठीक न होने की चर्चाएं तेज हुई। ऐसी चर्चाओं को बल तब मिला जब भाजपा कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन और सरकार को लेकर बड़ा बयान दे डाला। अब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व यूपी में जारी कलह को शीघ्र समाप्त करना चाहता है, जिससे आगामी विधानसभा उपचुनाव व 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान न पहुंचे। यही कारण है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों का कहना है कि नड्डा ने दोनों नेताओं से विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां प्रारंभ करने की बात कही थी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से ऐसी कोई भी बयानबाजी न करने की बात कही थी जिससे संगठन और सरकार के बीच विवाद खड़ा हो। यूपी की कला को खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय दिख रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भेंट की। वहीं बुधवार को भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश में हाल ही में घटे घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी पीएम मोदी को दी है। सूत्रों का कहना है यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है। संगठन के साथ साथ योगी कैबिनेट में भी बदलाव किया जा सकता है। सूत्र कहते हैं कि जिन क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, योगी मंत्रिमंडल में उन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व मिल सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल में पिछड़े व दलित समाज से आने वाले कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है।